हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट द प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शंस और डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच माइट बी आस्क्ड बाय द एग्जामिनर ड्यूरिंग द वाइवा ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लैब, ओके, या इंजीनियरिंग ड्राइंग वाइवा में आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 15th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मार्क किए हुए हैं, जिसमें से डेफिनेटली अगर आप इनको कर लेते हो तो आपका जो वाइवा है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं या तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, या अगर बुक लेके बैठे हैं तो आप बुक में मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये 15th क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको तैयार करते हैं, सो दैट कि आप वाइवा 100% अटेंड कर पाएँ और अच्छे से जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्शन। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। एंड थर्ड, हाउ आर पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्रिएटेड एंड वट आर द की स्टेप्स इन्वॉल्व। क्या क्या ऐसे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन के, ठीक है, ड्राॅइंग के, ये आपको पता होने चाहिए। वट आर द एडवांटेजेज यूजिंग प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन इन आर्टिस्टिक रेंडरिंग एंड आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन। कैसे आपको प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्या क्या उसके एडवांटेजेज हैं, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस क्या है, विजुअलाइजेशन में क्या हेल्प करेगा आपको, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कैन यू डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव, आइसोमेट्रिक एंड ऑब्लिक। ये जो क्वेश्चन है आपका, जब भी प्रोजेक्शन की बात आएगी, तीनों प्रोजेक्शन आपके कभी भी एग्जामिनर पूछ सकते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द वैनिशिंग पॉइंट इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड हाउ दे अफेक्ट द ड्राइंग। सेवन्थ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स बहुत ज़्यादा। सेवन्थ, हाउ डू यू क्रिएट द इल्यूजन ऑफ डेप्थ एंड डिस्टेंस इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। वट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ होरिजन लाइन्स एंड आई लेवल इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। होरिजन लाइन्स की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, आई लेवल की इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन आपका होगा, कैन यू डिस्कस एनी कॉमन एप्लीकेशन ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इन वेरियस इंडस्ट्रीज। टेंथ क्वेश्चन, हाउ डज पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हेल्प्स इन क्रिएटिंग रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल सीन्स। 3D जो सीन्स हैं आपके, उनको बनाने में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन हमें कैसे हेल्प करता है, ठीक है। वट आर द लिमिटेशंस ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड आर देयर एनी अल्टरनेटिव मैथड टू ओवरकम दैम। ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका होगा, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ 1-point, 2-point and 3-point पर्सपेक्टिव एंड हाउ दे डिफर। सिक्स्थ एंड ट्वेल्थ क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप 100% करके जाएंगे। 13th क्वेश्चन होगा आपका, हाउ डू यू क्रिएट पर्सपेक्टिव ड्राइंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और अर्बन लैंडस्केप, ठीक है। 14th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज फोर शॉर्टनिंग प्ले इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड। एंड 15th क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्कस एनी सॉफ्टवेयर टूल और टेक्निक यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सपेक्टिव ड्राइंग इन द डिजिटल रियलम। तो ये 15th क्वेश्चन अगर आप 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली जो आपका वाइवा होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। तो सारे जो सीरीज में सारे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ऑटो कैड, सारे के सारे अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं और अपने वाइवा में जाने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।